अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसम कैसे, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक हिदायत तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वरना आप बहुत सारी अपडेट से महरूम रह जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना है, बगैर आपका टाइम वेस्ट हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपडेट ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, उनका जो सिस्टम है उनको हम ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी कि तमाम जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सीएमएस पोर्टल के ऊपर डाल दी जाएगी। साथ में यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा था कि जब आपको स्टूडेंट डिग्री के लिए अप्लाई करेगा तो वो डिग्री के लिए जब अप्लाई करेगा तो वो सीएमएस अकाउंट के ऊपर अप्लाई करेगा, मैनुअली डिग्री के लिए अप्लाई करेगा तो उसको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। तो ये अपडेट आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन अभी तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसको ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं किया, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का बीए बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक एफएआईकॉम की अगर डिग्री वो मंगवाना चाहते हैं, यानी कि उनकी क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं, तो वो मैनुअली तरीके से अपनी जो डिग्री है उसको मंगवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी दोनों सिस्टम को ऑन किया हुआ है, यानी कि अगर आप डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो आप सीएमएस पोर्टल से भी मंगवा सकते हैं, और बजरिया पोस्ट ऑफिस आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देकर अपनी जो डिग्री है वो भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि सीएमएस पोर्टल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मालूम नहीं है कि वहाँ से किस तरह डिग्री मंगवाई जाती है। तो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी डिग्री कम्प्लीट हो चुकी है तो आप मज़ीद वेट ना करें, अपनी जो डिग्री है उसको बर वक्त मंगवा लें। डिग्री का वही पुराना तरीका, चालान निकालना पड़ेगा, डिग्री फॉर्म करना पड़ेगा, साथ में तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा। इन शॉर्ट आने वाले वक्त के अंदर यूनिवर्सिटी मैनुअली तरीके को बिल्कुल खत्म कर देगी, सीएमएस पोर्टल के थ्रू डिग्री के लिए अप्लाई किया जाएगा और डिग्री आपको वहीं से ही मिलेगी। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि अभी अगर आपकी कोई डिग्री मुकम्मल है या कोई डिग्री आप मंगवाना चाहते हैं तो अभी आप मैनुअली तरीके से मंगवा लें, बाद में ऐसा ना हो कि फिर आप फिरते रहें और फिर आपको डिग्री ना मिले, क्योंकि सीएमएस पोर्टल का जो सिस्टम है वो काफी ऑनलाइन है, यानी कि काफी बच्चों को उसकी समझ नहीं आएगी। इन शॉर्ट आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको बता दूंगा किस तरह सीएमएस से डिग्री मंगवानी है, लेकिन अभी आप यही है कि अगर आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है तो बर वक्त उसको मैनुअली तरीके से डिग्री मंगवा लें। तो उम्मीद है छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।